अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। एमपी में नौ तपे से पहले भीषण गर्मी पड़ेगी, 12-46 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। भोपाल में तापमान 44 डिग्री के पार है। 8 मई के बाद तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। खजुराहो देश भर में सबसे ज्यादा तपा है। देश के 8 सबसे गर्म शहरों में एमपी के 5 शहर शामिल हैं। मई के आखिरी हफ्ते में राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल गर्मी से कोई राहत यहां पर लोगों को नहीं मिलेगी। 40 डिग्री तक पारा पहुंचने के आसार हैं। तो नौ तपे से पहले भीषण गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ने वाली है। भोपाल की बात की जाए, तापमान 44 डिग्री के पार है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जी बने हुए हैं। विवेक जी, एमपी में नौ तपे से पहले भीषण गर्मी पड़ेगी और अभी भी पारा जो है ज्यादा ही जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और अभी भी लेकिन लोगों को राहत नहीं मिलेगी गर्मी से। देखिए, मई के महीने से पहले अप्रैल की ही स्थिति ये थी कि मई जून के तरह ही गर्मी का दौर जारी था, लेकिन अब गर्मी और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसमें साफ कहा है कि नौ तपे की तरह ही तापमान में वृद्धि होगी। और भोपाल में कल के तापमान की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कई जो जिले हैं जहां पे तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। तो ये आशंका है कि इस बार मध्य प्रदेश में नौ तपे के वक्त तापमान काफी ज्यादा बढ़ सकता है और 49 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। छतरपुर, ग्वालियर और चंबल के ये वो इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी का प्रभाव रहता है और यही सबसे ज्यादा तापमान में वृद्धि हो सकती है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि मई के आखिरी तक प्री मानसून भी एक्टिव हो सकता है, ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन यहाँ ये पूरा मई का महीना लोगों के लिए परेशानी का सबक रहेगा। भीषण गर्मी के दौर में लोगों को अपनी दिनचर्या जो है वो निकालनी होगी और गर्मी से बचाव, लू सबसे ज्यादा लोगों को जो है वो घातक हो सकता है। हीट स्ट्रोक जैसी जो दिक्कतें हैं लोगों को पड़ सकती है। भोपाल में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि लोग लू और गर्मी को देखते हुए एहतियात बरते और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौसम सक्रिय कैसे हुआ। राजस्थान की ओर से जो हवा आ रही है वो सीधे मध्य प्रदेश की ओर आ रही है और इसमें जो एक बड़ी बात यह है कि गर्म हवाओं के चलते तापमान में वृद्धि हुई है और सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो पड़ रही हैं। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से गर्मी लगातार बढ़ रही है और इसका सिलसिला जारी रहेगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि 8 मई के बाद तापमान में वृद्धि होगी, यानी कि भोपाल में तापमान भी 45 के पार जा सकता है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि साफ है कि जो मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं जो देश भर में सबसे ज्यादा तपिश वाले शहर हैं वो सबसे ज्यादा वहां के लोगों को परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के तहत ही जो अपनी जो दिनचर्या है उसका पालन करना चाहिए। जी, शुक्रिया विवेक जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, नौ तपे से पहले भीषण गर्मी पड़ेगी और तमाम सुरक्षा के उपाय जो हैं वो करने की बार बार सलाह दी जा रही। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं सलाह दे रहे हैं, भीषण गर्मी में बाहर निकलने से बच सकते हैं तो, और अगर बाहर निकलते हैं तो अपने आप को ढक कर निकलें और तमाम जो है उपाय और साथ ही ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग, इस तरह की सलाह जरूर दी जा रही, क्योंकि फिलहाल मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मई के आखिरी में जरूर कहा जा रहा है कि राहत मिल सकती है।